नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी रस का स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रस की परिभाषा या रस सूत्र जो भरत ने दिया था उसके अनुसार भरत को रस का जो अर्थ अभीष्ट था वो विषयगत था और कालांतर में भरत का रस का अभीष्ट अर्थ रस के स्थान पर काव्य का वाचक बन गया। भरत की कलात्मक अभिव्यंजना रस नहीं है, काव्य है और काव्य का आस्वाद रस है। भारतीय काव्य शास्त्र में रस का प्रतिनिधित्व और परिनिष्ठित अर्थ अंततः यही मान्य है। इसी के संदर्भ में रस के स्वरूप का विवेचन सार्थक होगा। आचार्यों ने, विशेषतः अनुभव गुप्त ने इस पर गहराई से प्रकाश डाला है और उन्हीं की मान्यताओं और धारणाओं को परवर्ती संग्रहकर्ता आचार्यों, जिसमें मम्मट, विश्वनाथ आदि हैं, अपने अपने रूप में ढाल दिया है। इन सब आचार्यों में से विश्वनाथ का एक प्रसंग है जो उन्होंने अपने संग्रह में दिया है और रस के स्वरूप को समझने के लिए ये हमारे लिए सहायक रहेगा। उनका जो विश्वनाथ की जो व्याख्या है या उन्होंने जो स्वरूप बताया है रस का, वो इस प्रकार है। सत उद्रेक अखंड स्वप्रकाश आनंद चिन्मय वेद्यांत स्पर्श शून्यो ब्रह्म आनंद स्वाद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रमाता त्रिभि स्वाकार वद अभिन त्वेन अयम आस्वाद्यते रसः। विश्वनाथ के शब्दों में, जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनके शब्दों में, रस अखंड है, स्वप्रकाश है, आनंदमय है, चिन्मय है, वेद्यांत स्पर्श शून्य है, भ्रम आस्वाद सहोदर है और लोकोत्तर चमत्कार प्राण है और अपने आकार से अभिन्न है। इसकी अगर हम व्याख्या करते हैं तो हम पाते हैं कि रस आस्वादन का विषय है किंतु निज स्वरूप से अभिन्न रीति के, अर्थात रस आस्वाद से अभिन्न है, रस आस्वाद रूप है। ये समझ सकते हैं कि रस काव्य नहीं है, बल्कि जो काव्य का आनंद हमें होता है वो रस है। उसका आविर्भाव सतोगुण के उद्रेक की स्थिति में होता है। इसका अर्थ है कि हम उस आनंद को, जो रस का आनंद है, हम तभी ले सकते हैं जब हमारा सत उद्रेक, सतोगुण का उद्रेक बढ़ता है और बाकी दोनों गुण, तमोगुण और रजोगुण, शांत हो जाते हैं। मनुष्य के तीन गुण होते हैं, सतोगुण, सात्विक गुण और रजगुण और तमगुण। मनुष्य के अंदर तीनों गुण हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी तमगुण ज़्यादा हो जाता है, कभी रजोगुण ज़्यादा हो जाता है और कभी सत्वगुण ज़्यादा हो जाता है। इन गुणों को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब हम अपने कष्ट, अपने लिए कष्टों का चयन करके भी दूसरे के कष्टों का निवारण करते हैं, तब हम हमारे अंदर जो मन में है वो सत्व उद्रेक ज़्यादा होता है। जब हम दूसरों को अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए कष्ट देते हैं, तब तमोगुण प्रभावी हो जाता है। लेकिन जब हम अपने सुख की भी चिंता करते हैं और अपने सुख के साथ साथ दूसरों की भी चिंता करते हैं, तो रजोगुण होता है। अब जब हमें सत्वोद्रेक हो जाता है, यानी कि मैं और पर का भेद भुलाकर, समय स्थान का भेद भुलाकर हमारा चित्त विस्तार धारण कर लेता है, तब हमारा सत्वोद्रेक माना जाता है और रस की अनुभूति काव्य में तभी होती है जब हमारा सत्व का उद्रेक हो जाता है, तम गुण और रजोगुण शांत हो जाते हैं। यह अखंड है, अन्य ज्ञान से रहित है, स्वप्रकाश आनंद है, चिन्मय है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है और ब्रह्म आस्वाद सहोदर है, यानी कि ब्रह्म आस्वाद के अत्यधिक समान है।
इन्हें विस्तार से समझ लेते हैं, चार आठ के आठ गुणों को, जो स्वरूप में आठ इन्होंने गुण बताए, आठ विशेषताएं बताए, उनको विस्तार से समझते हैं। तो रस का अपने स्वरूप से अभिन्न रीति से आस्वादन किया जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि रस मूलतः आस्वाद रूप से ही है, यानी कि जो हम रस आनंद लेते हैं इससे भिन्न कोई दूसरा रस नहीं है। कि जैसे हम गन्ने का रस पीते हैं तो उसको पीने का जो हमें स्वाद आता है वो अलग होता है और गन्ने का रस अलग होता है, लेकिन जब हम काव्य में आनंद लेते हैं तो उसमें अलग अलग नहीं होते हैं, जो हमें आनंद होता है वही रस होता है। यानी कि रस अपने स्वरूप से अभिन्न रीति से आस्वादन किया जाता है। अभिन्न यानी कि कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसका हम आस्वादन कर रहे होते हैं। रस आस्वाद रूप है, आस्वाद्य पदार्थ नहीं, यानी कि जो हम आनंद लेते हैं रस वही है, कोई आस्वाद्य यानी कि स्वाद लेने का दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि गन्ने का रस है तो उसमें गन्ने का रस अलग है और पीने का जो स्वाद हम आनंद जो लेते हैं वो अलग है, लेकिन रस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वो अपने स्वरूप से अभिन्न है। दूसरा है रस अखंड है। इस उक्ति के दो अर्थ व्यापक लिए जा सकते हैं। एक तो इसका आशय यह है कि रस अनुभूति में जब हमें रस की अनुभूति होती है तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव, इनकी अलग अलग अनुभूति हम नहीं करते, बल्कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जब तीनों स्थाई भाव के साथ संयुक्त हो जाते हैं तब स्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है। अगर इनमें से एक भी कोई रस नहीं है, चाहे एक भी कोई नहीं है, विभाव ना हो, अनुभाव ना हो, संचारी भाव ना हो, तो रस रूप में कभी भी स्थाई भाव परिणत नहीं होता है। यानी कि इन चारों का समंजित रूप में ही हम रस रूप में आनंद उपभोग कर सकते हैं। दूसरा इसका अर्थ यह भी है कि रस अनुभाव में जब रस अनुभव करते हैं, रस का आनंद लेते हैं हम, तो आत्मा का पूर्ण तन्मय होने का जरूरी होता है। मात्रा भेद या कोटियाँ उसमें नहीं होती, पूर्णता में तारतम्य की संभावना नहीं है, पूर्ण रूप से पूर्ण तर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर पूर्ण है तो उससे कम या उससे ज़्यादा कोई कल्पना नहीं की जा सकती, और पूर्ण है तभी हम रस का आनंद ले सकते हैं। अगर पूर्णता नहीं है तो रस की स्थिति नहीं हो सकती। यानी कि रस पूर्ण ही होता है जब उसमें हम पूरी तरह से तल्लीन होते हैं, तभी हमें रस मिल पाता है। चौथा है हमारा, रस अनुभव अन्य ज्ञान के अनुभव से रहित होता है, यानी कि वेद्यांतर स्पर्श शून्य होता है। जिस समय हम रस का उपभोग कर रहे होते हैं, यानी कि हम अगर किसी नाटक को देखने में तल्लीन होते हैं, तब हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान किसी भी दूसरी चीज में नहीं जाता है। तन्मय से, स्वभाव से अन्य ज्ञान की संभावना रहती ही नहीं है। वर्तमान संदर्भ में अगर इसका आशय लें तो यह हो सकता है कि रस की स्थिति प्रमाता स्वयं पर तटस्थ आदि की भावना से मुक्त होकर ही ले पाता है। देश काल का अगर ज्ञान उसे हो जाए, अपने और पराये का उसे ज्ञान हो जाए, तो रस की स्थिति नहीं हो सकती। यानी कि सारे अन्य तरह के जितने भी ज्ञान हैं उन सब से वो विमुक्त रहता है। वेद्यांतर स्पर्श शून्य होता है, यानी कि वेद्यांतर मतलब किसी भी दूसरे तरह के ज्ञान से वो हट जाता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने जो विभाव, नाटक में विभाव होते हैं, अनुभव होते हैं, संचारी भाव होते हैं, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसमें रहता है। रस स्वप्रकाश आनंद है और चिन्मय है। इसका अर्थ यह है कि रस अनुभूति आत्म चैतन्य से प्रकाशित आनंदमय चेतना है, और इस आनंद से आनंद में मृणमय अर्थात ऐन्द्रिक अनुभूति का प्रायः अभाव रहता है। चैतन्य आत्म स्वाद का ही सद्भाव रहता है। जैसे कि अगर आप दुष्यंत और शकुंतला का प्यार देखते हैं तो उसका संबंध, और फिर आप प्रेम की अनुभूति करते हैं, यानी कि रस आप उसका श्रृंगार रस का आप चवरणा कर रहे हैं, उसका श्रृंगार रस का उपभोग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो उस प्रेम की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ आपके चित्त को होती है। शारीरिक यानी कि जो आपकी इंद्रियां होती हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं आपकी, आँख, नाक, कान, त्वचा,
जीव वगैरह, तो आपकी जो ज्ञान इंद्रियां होती है वो उसका आनंद का उपभोग नहीं कर रही होती है, उनसे अलग वो सिर्फ उस प्रेम के रस का जो उपभोग करता है वो आपका चित करता है। यह अतेंद्रिय आनंद है, विषय सुख की कोटि का आनंद नहीं है, यानी कि जो विषय सुख भौतिक सुख जिनको आपका शरीर भोगता है उससे ये सर्वथा अलग होता है। इसका अर्थ है रस स्वप्रकाश आनंद और चिन्मय, यानी कि चिन्मय से मतलब चित्त से लेने वाला आनंद है, इंद्रियों से लेने वाला आनंद नहीं है। इसके बाद है आपका रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। रस ना तो प्रत्यक्ष अनुभव है, ना परोक्ष अनुभव है, ना कोई कार्य है, ना कोई ज्ञाप्य है, ना सविकल्प है, अर्थात ना तो ऐसा ज्ञान है जिसमें ज्ञाता की चेतना विद्यमान रहती है, और ना ही यह पूरी तरह से निर्विकल्प है, अर्थात ना ये ऐसा ज्ञान है जिसमें ज्ञाता की चेतना विलीन हो जाती है। जैसे अगर शराब पी ली है तो उसमें आपकी चेतना विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तब आप उसका आनंद लेते हैं, लेकिन जब काव्य का आनंद लेते हैं तो आप पूरी तरह से चेतन रहते हैं। तो ये निर्विकल्प भी नहीं है और सविकल्प भी नहीं है कि आप जैसे दुष्यंत और शकुंतला के प्यार को अगर आप अनुभूत कर रहे हैं तो वो आपका चित अनुभूत कर रहा होता है, लेकिन आपका सविकल्प नहीं है कि आपकी इंद्रियां उसी सब चीज़ों को कर रही हों, महसूस कर रही हों, यानी कि आपकी ज्ञान इंद्रियां उससे बिल्कुल अछूती होती हैं। तो लोकोत्तर चमत्कार प्राण यानी कि इस लोक से संबंधित वो उस समय नहीं रहता है, तो वो लोकोत्तर यानी कि दूसरे ही लोक में कहीं चला जाता है, लेकिन चेतना उसकी पूरी तरह से वो चेतन रहता है, चेतना उसकी लुप्त नहीं हुई होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि लौकिक परिभाषाओं से मुक्त होने के कारण वह अनिवर्चनीय और अलौकिक है, यानी कि जो लौकिक अनुभूति होती है, शारीरिक इंद्रियों की अनुभूति होती है वो, या जो कहे कि जो यथार्थ अनुभूति होती है उस अनुभूति से वो अलग होता है, इसलिए हम इसे अलौकिक कह सकते हैं। वास्तव में यह अलौकिक शब्द विवादास्पद रहा है, और इसका कारण ये इसलिए रहा है कि रस सिद्धांत पर अनेक उस पर आरोप भी लगाए गए हैं, और इसका कारण यह रहा है कि काव्य लोक की वस्तु है, काव्य में वर्णित जो विभाव और अनुभव होते हैं वो भी सब लोक की वस्तु है। जैसे कि जो प्रेम है वो हमारी इस लोक की वस्तु है, प्रेम हम इस लोक में रहते हुए करते हैं, दुष्यंत और शकुंतला वे दोनों भी हमारे इस लोक के ही एक स्त्री एक पुरुष हैं जिनका आपस में प्यार दिखाया जाता है नाटक में, फिर इसे हम अलौकिक क्यों कह देते हैं, इस पर विवाद रहा है। और इस विवाद का उत्तर जो रस संप्रदाय वाले हैं वो देते हैं, वो ये कहते हैं कि अलौकिक का अर्थ अति प्राकृतिक नहीं है, यानी कि अलौकिक का अर्थ अति प्राकृतिक नहीं है बल्कि अतींद्रिय है। अतींद्रिय मतलब इन जो हमारी जो इंद्रियां हैं इनसे हम उसे अनुभूत नहीं करते हैं बल्कि चित्त से अनुभूत करते हैं, और इंद्रियों द्वारा उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे अलौकिक कहा जाता है। आठवां इसका लक्षण था स्वरूप में, जो का रस का स्वरूप है, रस ब्रह्म आस्वाद सहोदर है, यानी कि जब जो भक्त है जो भगवान में लीन हो जाता है तो उसे एक ब्रह्म आनंद की अनुभूति होती है, और वो तब होती है कि एक वैरागी संत को ही ब्रह्म आनंद की अनुभूति हो सकती है जब वो जो लौकिक चीज़ें होती हैं लोभ मोह माया इनसे जब सबसे मुक्त हो जाता है तब उसे ब्रह्म आनंद की अनुभूति होती है। तो काव्य ब्रह्म आलोक सहोदर यानी कि ब्रह्म आनंद सहोदर, यानी कि जो ब्रह्मानंद होता है आत्मानंद होता है उसके समकक्ष कैसे है, तो ये उसके समान इस तरह से है कि रस विषय आनंद से भिन्न है। विषय आनंद यानी कि जितने भी भौतिक आनंद है जिनको हमारा शरीर भोगता है रस उससे अलग है, इसलिए इसे हम ब्रह्म सहोदर कह सकते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म आस्वाद यानी ब्रह्म आनंद होता है वो भी तभी आता है जब हम सांसारिक मोह माया या भौतिक सुख से दूर चले जाते हैं, लोभ माया को छोड़ चुके होते हैं, और जब हम काव्य आनंद लेते हैं
तो काव्य आनंद में भी हमारा जो यथार्थ लोक जो भौतिक सुख होता है उससे हम कट जाते हैं कुछ समय के लिए, और इंद्रियों का विषय ये नहीं रहा हमारा काव्य आनंद भी। जैसे ब्रह्म आनंद हमारी चेतना का विषय है, हमारी आत्मा का विषय है, इसी तरह से जो हमारा काव्य आनंद है वो भी हमारी चेतनात्मा का विषय है, ना कि हमारी शारीरिक इंद्रियों का। लेकिन फिर भी ब्रह्म आनंद और काव्य आनंद में भेद है, और ये दो स्थितियों पर हम इसको भेद को कर सकते हैं, दो अंतर कर सकते हैं। एक तो ब्रह्म आनंद स्थाई है, अगर कोई वैरागी संत ब्रह्म आनंद में लीन होता है तो उसके बाद उसका ब्रह्म आनंद स्थाई हो जाता है, वो दोबारा उसका लोभ मोह नहीं जागता है, और रस अस्थाई होता है। यानी कि जब तक विभाव अनुभाव और संचारी भाव स्थाई भाव के साथ होते हैं तब तक रस आता है, और जैसे विभाव अनुभाव और संचारी भाव लुप्त हो जाते हैं, तिरोभूत हो जाते हैं, तो हमारा रस भी उस समय तिरोभूत हो जाता है। जैसे कि जब हम नाटक देख रहे होते हैं, अगर दुष्यंत का और शकुंतला का प्रेम प्रसंग चलता रहता है तो हम उस श्रृंगार रस को भोगते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे सामने से विभाव अनुभाव यानी शकुंतला दुष्यंत और उनके अनुभाव यानी कि उनकी चेष्टाएं तिरोभूत हो जाती हैं, तो हमारा स्थाई भाव जो रस रूप में परिणत होता है वो वापस स्थाई भाव बन जाता है, और रस की चवरना हमारी चेतना लेना बंद कर देती है। और दूसरा अंतर है, रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव नहीं होता। जब ब्रह्म आनंद होता है तो उसमें लौकिक विषय, लौकिक जो मोह माया लोभ क्रोध होते हैं, उनसे पूरी तरह से वे तिरोभूत हो जाते हैं उसके आत्मा से, उसकी चेतना से। लेकिन काव्यानंद में पूरी तरह से काव्य के विषयों का तिरोभूत नहीं होता है, तिरोभाव नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिससे हम उस रस को चरवणा करती रहती है, जिससे हमारी चेतना श्रृंगार रस को, वो दुष्यंत और शकुंतला और वहाँ का जो उपवन है वो कहीं ना कहीं लौकिक ही होता है, अलौकिक उसको नहीं कहा जा सकता। अलौकिक सिर्फ और सिर्फ वो रस होता है जिसकी हम चरुणा यानी कि जिसकी चरुणा सहृदय प्रमाता करता है। अब अगला विषय हमारा ये आता है कि क्या भाव अनुभूति और रस अनुभूति में कुछ अंतर है या कुछ संबंध है। तो हाँ, भाव अनुभूति और रस अनुभूति में बड़ा संबंध है। रस निश्चय ही भाव पर आश्रित है, यानी कि हम रस तभी ले पाते हैं जब हमारे अंदर स्थाई भाव है। अगर हमारे अंदर हमारी चेतना में हमारे मन में प्रेम का यानी रति का स्थाई भाव नहीं होगा तो हम श्रृंगार रस की चरवणा भी नहीं कर सकते, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति भी नहीं हो पाती है। अर्थात भाव की भूमिका में जो रस है उसकी अभिव्यक्ति भाव के बिना हो ही नहीं सकती है। पर रस अनुभूति और भाव अनुभूति दोनों अलग अलग हैं, किसी भी स्थिति में दोनों एक नहीं मानी जा सकती। रस के आश्रयभूत स्थाई भाव आस्वाद की दृष्टि से सामान्यतः दो प्रकार के माने जा सकते हैं, एक तो रति उत्साह विस्मय हास्य शम आदि आस्वाद जो सुखद अनुभूति देते हैं, और दूसरे शोक क्रोध भय जुगुप्सा आदि आस्वाद जो लोक जीवन में दुखद भाव माने जाते हैं। यदि हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि रस अनिवार्यता आनंद रूप है तो यह सहज ही सिद्ध हो जाता है कि रस अनुभूति भाव अनुभूति से भिन्न है। जैसे हमने दो तरह के भाव बताए, कुछ सुखद अनुभूति देने वाले और कुछ दुखद अनुभूति देने वाले। अगर हम ये मान लेते हैं कि रस तो हर संभव हमेशा ही सुखद अनुभूति देने वाला होता है, तब तो हमारा प्रश्न पहले ही हल हो जाता है कि भाव और रस दोनों ही अलग अलग हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे सुखद अनुभूति देने वाले भाव हैं, रति उत्साह विस्मय हास्य शम आदि, इनकी अनुभूति भी सुखद होती है और इनके जो रस होते हैं इनसे संबंधित उनकी भी अनुभूति सुखद होती है। उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो हम लौकिक प्रेम प्रसंग को ले सकते हैं। लौकिक प्रेम प्रसंग और काव्यगत प्रेम प्रसंग
और उससे अधिक लौकिक हास्य प्रसंग। ये काव्यगत हास्य प्रसंग की एक रूपता हो जाते हैं, दोनों एक रूप हो जाते हैं, चाहे हम लौकिक प्रेम प्रसंग को ले लें और लौकिक हास्य प्रसंग को ले लें, चाहे जो काव्यगत हास्य प्रसंग या प्रेम प्रसंग है उन्हें ले लें, तो ये लगभग एक रूप हो जाते हैं और हमें थोड़ा सा भ्रांति हमारे मन में पैदा कर देते हैं। लौकिक जीवन में प्रेम परिहास, लौकिक जीवन का प्रेम परिहास जहाँ कोई देवर भाभी आपस में हंसी मजाक कर रहे हों, और मैथिली शरण गुप्त के साकेत में लक्ष्मण उर्मिला के प्रेम परिहास में क्या कोई भेद है? आप मानते हैं उसमें कोई भेदभाव है? नहीं महसूस होता भेदभाव, लेकिन उसका एक कारण है, और उसका कारण ये है कि प्रेम प्रसंगों में या हास्य प्रसंगों में, चाहे लौकिक हो चाहे काव्य में वर्णित हो, उसमें जिस वाक् वैदग्धता का अनायास ही लोग प्रयोग कर देते हैं उससे हम भ्रमित हो जाते हैं। दरअसल काव्य का अंग ही यह वाक् वैदग्धता होती है। भाव और कल्पना, शब्द और अर्थ का जो रमणीय सहभाव है वही तो काव्य होता है। उसके लिए कोई लिपिबद्धता होना अनिवार्य नहीं होता, यानी कहीं लिखा जाए ये अनिवार्य नहीं है। अगर कोई देवर भाभी, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी प्रेम प्रसंग में कुछ वाक् विदग्ध बातें करते हैं तो वह भी काव्य है, भले ही वह लिखा ना जाए। इसलिए हमें कई बार भ्रम हो जाता है। दरअसल जो वास्तविक प्रेम प्रसंग होते हैं या परिहास की उक्तियां होती हैं, कभी कभी चुभ जाती हैं। अगर हम यथार्थ जीवन में प्रेम प्रसंग या हास परिहास, हंसी मजाक करते हैं, तो वे कभी कभी चुभ जाती हैं और उनसे कटुता उत्पन्न हो जाती है, कड़वाहट उत्पन्न होती है, तो रस के लिए विघातक हो जाता है। रस तो तब भी ले रहे हो सकते हैं, लेकिन वो कभी जो कड़वी बात हो जाती है वो चुभ जाती है और फिर हमारे रस में वो बाधा डाल देती है। लेकिन जब साकेत के लक्ष्मण उर्मिला का हम हास परिहास, हंसी मजाक देखते हैं, तो इस कड़वाहट की, इस चुभन की कोई आशा या आशंका ही नहीं रह जाती है। और यदि कड़वाहट आ भी जाए तो जो साधारणीकरण का प्रमाता के मन में जो साधारणीकरण होता है, साधारणीकरण यानी कि जो प्रमाता यानी सहृदय, जो दर्शक उसका आनंद भोगता रहता है, जो उसका चित नीच से और पराय से, यानी अपने पराय का, देश काल का जो भेद भुलाकर साधारणीकरण हो जाता है उस घटना का, उस प्रसंग का, वो उस कड़वाहट को दूर कर देता है और मन में मलिनता, चित्त में मलिनता नहीं आती, केवल रस रह जाता है। भाव के प्रत्यक्ष अनुभव और रस में यही भेद है, यानी कि एक भाव है जो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है और एक रस है जो हम काव्य में वर्णित रस भोगते हैं, और यही इन दोनों में भेद होता है। तभी तो अभिनव आदि ने स्पष्ट कहा है कि रस प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। अब अगर अभिनव ने कहा है कि रस प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, तो फिर क्या है? परोक्ष अनुभव है, लेकिन हम उसे परोक्ष अनुभव भी नहीं मान सकते। और क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि परोक्ष अनुभव का क्या अर्थ है, पहले इसे समझ लेते हैं कि क्यों हम उसे नहीं मान सकते परोक्ष अनुभव। पहले परोक्ष अनुभव को समझेंगे तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि हम रस को परोक्ष अनुभव नहीं मान सकते। मेरे विचार से भाव के परोक्ष अनुभव का एक स्पष्ट रूप है भाव की स्मृति, यानी कि उस परोक्ष अनुभव हम उसे कहेंगे जब हमने कोई भाव भोगा हो, यानी कि हमने किसी को प्यार किया है और अपने प्रेमी या प्रेमी प्रेमिका के साथ जो पल बिताए उनको हम याद करते हैं, तो वो हमारा परोक्ष अनुभव होगा। यानी प्रत्यक्ष अनुभव तब था जब हमने उन प्यार के पल को अनुभूत किया था, और परोक्ष अनुभव जब हम उसे याद करते हैं। पर प्रेम का उस समय का जो भोग था वो प्रत्यक्ष अनुभव था, और याद जो है ये हमारा परोक्ष अनुभव हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाव की जो स्मृति है, यानी कि जो हमने परोक्ष अनुभव, जिसे हम याद कर रहे हैं अपने अनुभूत भाव को, उसमें और रस में क्या भेद हो रह जाता है?
यानी कि जो हमने याद किया अपने उन अनुभवों को जो हमने अनुभूत किए थे प्यार के पल, और जो रस है, उन दोनों में क्या भेद है? तो उन दोनों में भी पर्याप्त भेद है। दरअसल एक तो यह भेद है कि प्रेम अनुभव का स्मरण करना व्यक्ति की सीमा में परिबद्ध होने के कारण परिस्थिति के अनुसार सुख में और दुख में हो जाता है, क्योंकि हमारा वो व्यक्ति का अनुभव था, तो व्यक्ति की सीमाओं में बंधने के कारण वो सुख में भी हो सकता है और दुख में भी हो सकता है। यदि हम याद जब करते हैं, तो अगर हम उन सुख संयोग के पलों को याद करते हैं जब हम उसके साथ थे, अपने प्रेमी के साथ थे, तो वो हमें सुख में अनुभूति देता है, लेकिन जब हम उसके वियोग को अनुभव करते हैं तो वो हमारी अनुभूति दुख में हो जाती है। तो एक तो हमारा इसका यही भेद हो जाता है। परोक्ष अनुभव होने के कारण दोनों स्थितियों में तीव्रता की कमी आ जाती है, यानी कि जब हमने उस दुख को भोगा था, जब हम वियोग को भोग रहे हैं या जब हमने सुख को भोगा, दोनों ही स्थितियों में जब हम बाद में याद कर रहे होते हैं दुख को या सुख को, तो उसकी जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारे मन पर जो उसका प्रभाव है वो उतना नहीं होता जितना कि हम प्रत्यक्षतः जब भोगते हैं तब होता है। इसलिए भी रस में और परोक्ष अनुभव में अंतर आ जाता है। और जो काव्य का प्रभाव है उसमें व्यक्तिगत दुख सुख, अपने पराये का भाव, देश काल का भाव, ये सारे दूर छूट जाते हैं, उसमें सिर्फ सौंदर्य का भाव आ जाता है। और प्रेम का जो संस्कार है वो अगर हम नाटक और काव्य में देखते हैं तो इन सब से छूटकर उसमें कल्पना सौंदर्य आने के साथ साथ एक तीव्रता का भाव बढ़ जाता है। और प्रेम का वह संस्कार जो हमारे अंदर पहले से ही होता है स्थायी भाव, नाटक में देखकर वो पुनः पूर्णता में आ जाता है और हम रस को भोगने लगते हैं। अब इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो रस हम नाटक में देखकर लेते हैं वो ना तो प्रत्यक्ष भाव है, ना परोक्ष भाव है, ना यानी कि ना तो हम जो भोग रहे होते हैं वो भाव है, और ना ही उसको याद किया हुआ यानी कि परोक्ष भाव जिसे कहें वो भाव है। एक और कारण है कि जब हमने उस परोक्ष भाव को भोगा होता है, प्रेम को भोगा होता है, चाहे उसमें याद करने में हो या फिर प्रत्यक्षतः भोगें, उसमें हमारा इंद्रियों का संयोग रहता है, और इंद्रिय होने के कारण भी हमारा वो रस नहीं बन पाता। और क्योंकि अगर परोक्ष भाव है, प्रत्यक्ष भाव है, तो वो इंद्रियक होता है, और अगर परोक्ष भाव है यानी जब हम याद करते हैं तो वो जो इंद्रिय सुख था, जो संयोग के समय या वियोग के समय जो हमने अनुभव किया था, अब जब हम उसे याद करते हैं तो उस इंद्रिय तत्व भी की भी कमी आ जाती है, और उधर कल्पना तत्व का भी समावेश हो जाता है, यानी कि जब हम याद करते हैं तो सारा का सारा वास्तविक नहीं होता, कुछ कल्पना का तत्व भी उसमें मिल जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष भाव अनुभूति की अपेक्षा रस अनुभूति के निकट प्रतीत तो होती है, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभूति की अपेक्षा परोक्ष अनुभूति जो याद के आधार पर हम करते हैं वो रस अनुभूति के निकट तो प्रतीत हो सकती है, पर मूलतः रस नहीं हो सकता, वो उससे भिन्न ही रहती है। और हम इस तरह से समझ सकते हैं कि रस स्वागत अनुभूति नहीं है, बल्कि ना प्रत्यक्ष अनुभूति है ना परोक्ष अनुभूति है, बल्कि विभाव अनुभाव और संयोग भाव से जो स्थायी भाव का संयुक्त होती है, तब स्थायी भाव हमारा रस रूप में परिणत होता है। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि रस भाव पर आश्रित होते हुए भी भाव अनुभूति से भिन्न है। प्रत्यक्ष परोक्ष स्वगत परगत सुखद दुखद किसी भी प्रकार की भाव अनुभूति रस अनुभूति नहीं है। भाव अनुभूति ने इन सभी रूपों के व्यक्तिगत राग द्वेषों का संसर्ग अनिवार्यतः बना रहता है। यह संसर्ग तब तक रहेगा जब तक कि
चित्त की मुक्त अवस्था संभव नहीं होती। और जब तक चित्त की मुक्त अवस्था नहीं होती है, यानी कि चित्त अपने से, पराये से, देश काल की सीमाओं से विमुक्त नहीं होता है, तब तक रस की अनुभूति नहीं होती है। एक प्रश्न और उठता है, क्या रस अनिवार्यत है, आनंदमय चेतना है, यानी कि रस हमेशा ही आनंदमय ही होता है? तो इसका उत्तर है कि इसका निर्विवाद उत्तर यही है कि रस अनिवार्यतः आनंदमय ही होता है। इस विषय में कोई मतभेद नहीं है कि रस हमेशा आनंदमय नहीं होता है।